हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो आइए क्लास 9 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व इस करते क्वेश्चन हैं। को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, यहाँ पे मैं पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका होता है डायरेक्ट फॉर्मूला से, जो है मोल इज इक्वल टू गिवेन मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास को हम एटमिक मास भी कहते हैं। तो यहाँ पे गिवन मास क्या है 80, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम होता है 40। और ये मोलर मास आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, वरना अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कैलकुलेट करने की तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। 42 से 80 ये, और ये हो गया हमारा 2 मोल्स। तो ये आ गया इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, जो है यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड में हम कहते हैं कि एटमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, देयरफोर 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल। ऐसा क्यों है? क्योंकि एटमिक मास होता है कैल्शियम का 40 ग्राम, और एटमिक मास 1 मोल है, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम भी 1 मोल के बराबर होगा। तो 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, अब 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना होगा? हम यूनिटरी मेथड से इसको कर सकते हैं, 40 अपॉन 80 अपॉन 40, ये होगा 2, ये भी हो जाएगा 2 मोल्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है, दोनों तरीके से करेक्ट ही मेथड आएगा, बस ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।